हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ रात के 1 बजे, लगभग 1 बज चुका है। गाइस मैं आपको इसमें टाइम दिखा देता हूँ, मैं ये आपको टाइम जो है दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये ऊपर में आ गया। देखो गाइस 12:47 हो रहा है, ठीक है। तो गाइस ऐसा मत बोलना कि भाई मतलब टाइम सेट किया अपने हिसाब से, आपको गूगल टाइम में दिखा दिया। और गाइस आज का मैं व्लॉग इसलिए रात को स्टार्ट करूँ क्योंकि भाई मेरा जो 12th है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं यहीं खैरागढ़ में यूनिवर्सिटी में बीएफए में फॉर्म भर रहा हूँ, जिसका कल है एग्ज़ाम, जिसको एंट्रेंस एग्ज़ाम, कंपोजिशन एग्ज़ाम क्या बोलते हैं भाई, मतलब वही बोलते हैं। तो गाइस कल जो है उसका एग्ज़ाम है और अभी गाइस मैं बना रहा था ड्राइंग ये वाला, तो अभी इसको पूरा करते हैं गाइस, क्योंकि वहाँ तो भाई कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन लगभग यही आता है विलेज लाइफ या मार्केट सीन। अगर आपको भी एग्ज़ाम दिलाना है तो यही सबको ज़्यादा तैयारी करना, जैसे विलेज लाइफ हो गया, मार्केट सीन हो गया, डेली लाइफ हो गया, मदर एंड चाइल्ड, ऐसे सब आता है। फिलहाल गाइस अभी मैं ड्राइंग बनाता हूँ, चलो गाइस इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलो गाइस अभी मैं इसको बनाने स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल गाइस अभी ड्राइंग जो है लगभग इतना हो चुका है, जो राइट साइड का यहाँ पर भी मैं शेडिंग किया हूँ। और गाइस ये कल सुबह इसमें ये भी लगाना है, मतलब इसका जो पेपर है ये फट चुका है, ये देखो एक ये जो है ये। तो गाइस इसमें जो पेपर है, इसका जो पेपर है गाइस कल सुबह लगाएंगे। अभी फ़िलहाल मेरे को नींद आ रहा है, अभी जाके गाइस मैं सो जाता हूँ। और जो टाइम हो रहा है, टाइम जो है 1:15 हो चुका है गाइस, 1:15 हो चुका है। तो चलो गाइस अभी यहाँ जाके सोता हूँ, आपसे मिलता हूँ कल सुबह। तो गाइस गुड नाइट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अ नेक्स्ट डे। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और गाइस मैं बताया था कि ये जो है इसका पेपर फट गया, नया लगाना है। चलो गाइस यही पेपर लगाते हैं, फिलहाल अभी फाड़ते हैं इसको। चलो गाइज अभी इसमें लगाते हैं पेपर। तो फिलहाल गाइज मैं कार्डबोर्ड में जो है नया पेपर लगा चुका हूँ और अभी मैं चल के नहाता हूँ, उसके बाद एक दो बार ड्राइंग का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद गाइज चलते हैं यूनिवर्सिटी। तो गाइज फिलहाल नहा धो के रेडी हो चुके हैं और मैं ड्राइंग का प्रैक्टिस भी कर डाला हूँ, नाश्ता भी कर डाला हूँ, चलो गाइज चलते हैं यूनिवर्सिटी। तो देखो गाइज आधे लोग का कार जो है वो बाहर में ही खड़ा है, ये देखो गाइज बहुत लोग आए भाई, बहुत भीड़ है। फिलहाल गाइज मैं आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी से और भाई मूड जो है काफ़ी ऑफ है, क्योंकि भाई वहाँ सर जो है कुछ भी बोले भाई, मतलब अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ, अभी खाना ना खाता हूँ, उसके बाद आपको आगे का बात बताता हूँ। और गाइस भयानक भीड़ था भाई, अगर मैं जैसे ही होता था मैं व्लॉगिंग करने बोलता है तो गाइस मैं पहुँचे तो भाई इधर के लोग मुड़ के देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, फिर बोलता है उधर के लोग देख रहे हैं भाई, मतलब तो मैं क्लास अंदर वहाँ वीडियो नहीं बना पाया। जैसे कि आपको बाहर का दिखा दिखा कि आज 200 लोग का एग्ज़ाम था भाई, काफ़ी लोग आए थे, कार वार खड़ा था मैंने आपको दिखाया। चलो गाइस अभी आप खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद आपको बाकी का बात बताता हूँ। तो चलो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ आगे की बात कि सर ने मेरे को क्या बोला। तो गाइस हम लोग के में 2 टॉपिक आया था, एक मार्केट का था, मार्केट सीन का, और एक था फेस्टिवल का। तो गाइस मैं बनाया था मार्केट सीन का। तो उसमें गाइस मतलब आप घर में जो ड्राइंग बनाते हो उसमें 1-2 दिन लगता है, वो ड्राइंग अलग बनता है, और जब आप वहाँ बनाओगे 1-1.5 घंटे में वो ड्राइंग अलग बनेगा। तो इसको सर लोग को भी समझना चाहिए कि भाई ये 1 घंटा में बनाया इसमें अलग टेक्सचर आएगा और जो घर में बनाते हैं उसमें अलग रहता है ड्राइंग, क्योंकि उसको तो 4 दिन में बनाते हैं, यहाँ गाइस 1-1.5 घंटे का टाइम रहता है, उसी में बनाना रहता है। तो मैं बनाया था मार्केट सिम का, फिर जब मेरा बारी आया रोल नंबर का तो मैं अपना गया डिस्प्ले बुक लेके, तो सर देख के बोलते हैं कि जो मैं ड्राइंग बनाया था जो 1-1.5 घंटे में, उसको बोलते हैं कि इसको आप बनाए हो, लेकिन जो डिस्प्ले बुक का मैं दिखाया उसको बोलते हैं कि इसको आप नहीं बनाया, दूसरे से मांग के लाया। तो गाइस मैं सर को क्या बोलता भाई, अब वो बोले कि जो मैं अपना डिस्प्ले बुक का और जितना भी मेरा पुराना से अभी तक का नया ड्राइंग है सब मैं दिखाया और अपना जो लैंडस्केप बनाया था वो भी दिखाया, तो गाइस सर बोलते हैं कि इसको आप नहीं बनाया। तो उतने टाइम समझ नहीं है कि भाई कि ये बेइज्जती कर रहे हैं या मतलब तारीफ कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, उतने टाइम समझ नहीं आया।
तो वही गाइस थोड़ा टेंशन था कि भाई अब एडमिशन 312 लोग फॉर्म भरे, उसमें से 200 लोग का टेस्ट आज था, बाकी 112 लोग का कल है 13 तारीख को। तो गाइस वही मतलब 105 लोग को एडमिशन लेते हैं, तो वही टेंशन था गाइस कि एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई सर डायरेक्ट बोल दिए कि आप दूसरे से बनवा के लाओ, ऐसे लोगों को हम एडमिशन नहीं ले पाते। तो देखते हैं गाइस एडमिशन हो पाते कि नहीं हो पाता। तो गाइस अभी जो एडमिशन का लिस्ट है वो आ जाएगा 10 दिन के अंदर, तो उसके बाद मैं आपको वैसे तो पता चल जाएगा कि एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ है। फिलहाल गाइस मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे हो सब्सक्राइब कर देना। बाय।